गाइस ये घटना है ओडिशा की, जब ओडिशा के बालासुर में शुक्रवार के शाम तीन ट्रेनें आपस में टकरा जाती है। और गाइस आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट में 300 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 900 के करीब लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन गाइस इस एक्सीडेंट के बाद जो सबसे आश्चर्यजनक सवाल सामने आता है वो ये है कि क्या इस ट्रेन हादसे को रोका जा सकता था या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश थी। वेल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट दिलीप। गाइस अगर हम इस ट्रेन एक्सीडेंट की बात करें तो इसके पीछे के रीजन को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो गाइस आइए एनिमेशन और ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि आखिर ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ। सो गाइस यहां पर होता कुछ ऐसा है कि शुक्रवार की शाम 6:35 पर हावड़ा से आई कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासुर के बहानगर रेलवे स्टेशन से निकलती है। इस ट्रेन को चेन्नई जाना है। गाइस इसका कुछ टाइम बाद समय होता है 6:54 और कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने मेन लाइन पर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और गाइस आपको बता दें कि इसके ठीक 1 मिनट की दूरी पर एक मालगाड़ी खड़ी है लूप लाइन में। और गाइस इसके एग्जैक्ट 1 मिनट बाद यानी कि 6:00 पर अचानक ही कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मेन लेन को छोड़ के लूप लेन में आ जाते है और यहाँ पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाते है, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और इसके बाकी के डिब्बे दूसरे साइड से आ रही ट्रेन की पटरियों पर गिर जाते हैं। अब गाइस इसके 5 मिनट बाद यानी कि एग्जैक्टली 7 बजे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के गिरे हुए डिब्बों से टकरा जाती है, जिसमें बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य कैटेगरी के 3 डिब्बे पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। अब गाइस यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि ये पूरा ट्रेन हादसा हुआ कैसे। अब गाइस आइए ये समझते हैं कि क्या इसे होने से रोका जा सकता था। तो गाइस इस बात का जवाब है हाँ, इस ट्रेन हादसे को होने से रोका जा सकता था अगर इसमें लापरवाही नहीं की जाती। आइए समझते हैं कैसे। सो गाइस इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनका कहना यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर हो सकता है जिसके वजह से ये पूरा हादसा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अब गाइस इस बात पे मैं अपना कोई जस्टिफिकेशन दूं उससे पहले आइए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइस आपको बता दें ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम होता है और इसी की मदद से दो ट्रेन के बीच में उचित दूरी बनाकर रखी जाती है। और गाइस आपको बता दें इसी की मदद से ट्रेन के ट्रैक्स को भी चेंज किया जाता है। और गाइस यही इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल और ट्रैक के सर्किट को भी कंट्रोल करता है। अब गाइस बात को ध्यान से समझिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसके बारे में जया वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे बोर्ड की मेंबर है उन्होंने ये बताया कि ये सिस्टम एक एरर प्रूफ सिस्टम होता है। और गाइस अगर गलती से इसमें कोई एरर आ भी जाता है तो ये उस एरिया के पूरे सिग्नल्स को रेड कर देगा, जिसके वजह से लोको पायलट ट्रेन का ब्रेक लगा देगा। इसके आगे गाइस जया वर्मा सिन्हा ने एक और बात बोली, वो बात हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टेंपरिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न्ड। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए मैं आपको सिर्फ मैं इस particular केस के संदर्भ में बता रही हूँ, अगर possibilities of what can go wrong. Supposing किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहां पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया और अगर बिना उसने जानकारी के बिना उचित परमिशन के वहां पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए या इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नल में। अब गाइस यहाँ पर लापरवाही को समझिएगा, चलिए हम एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि केबल कट गई होगी, लेकिन गाइस केबल के कटते ही सिस्टम में एरर आता और अगर सिस्टम में एरर आता तो उस एरिया के पूरे सिग्नल रेड हो जाते, जिसके वजह से लोको पायलट ट्रेन का ब्रेक लगा देता और एक्सीडेंट की नौबत ही नहीं आती। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि सिस्टम में कोई एरर नहीं आया था या फिर कोई फेलियर नहीं हुआ था। और अगर गाइस हम इस बात को मान के चले कि वायर कट गई होगी तो ऐसे कंडीशन में रेलवे के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और अगर गाइस इनके पास नोटिफिकेशन पहुंचाया तो इस पूरे मामले में रेलवे ही जिम्मेदार है। और अगर गाइस नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाया फिर भी इस कंडीशन में रेलवे ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक ऐसे वायर सिस्टम को यूज कर रहा है जो कि एक केबल के कट जाने पर उनको एक नोटिफिकेशन तक नहीं भेजता, जिससे कि किसी भी ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।